अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इंजीर है, इसका आपने देखा कि ये मैंने बनाई हुई है। तो इसी तरह से ये दूसरी कलम जो है इसको मैं बनाता हूँ, आप देखें, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ये ऑन वीडियो और ऑफ वीडियो सारा कुछ करना पड़ता है। ये आप देखें, इसके लिए ये कलम मैं इसकी जगह बनाता हूँ, और फिर ये इंजीर की कलम है। इंजीर की कलम के लिए ये होता है कि आपको बाकी कलमों से ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि इसकी जो टहनी होती है वो कमज़ोर होती है, वो इस तरह से नहीं होती है। आप इसके ऊपर जोर आजमाई करें, जब करेंगे तो ये टूट जाती है। स्पंज टाइप कोई चीज़ होती है और उसकी वजह से ये ज़ाया हो जाती है। ये आप देखें कि ये जो कलम है, ये इसका चमड़ा जो है वो मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी आप कलम लगाएंगे तो ये जो चमड़ा है इसका, इस 100% जो है ना, ये इसका जो चमड़ा है ये आपस में मिलना ज़रूरी है। और इसमें खास बात यह कि ये देखिए, ये एक दो और तीन, ये तीन जाके जो है इसी तरह है, इसी तरह ये दूसरी कलम है, एक दो तीन चार, यानी ये ऊपर से फेस में निकाल दिया है। और ये जो कलम है ये यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से चीरा लगाया मैंने, चीरा लगा के, तो 100% इसका जो चमड़ा है वो आपने मिलाना है। अगर चमड़ा मिलाएंगे नहीं, ये देखें, ये बिल्कुल 100% मिला होना चाहिए, और आधी से इसको काट के इसकी जगह बना के फिर इसको लगाना पड़ता है। आप जोर लगाएंगे कभी भी तो कलम जो है, ये इंजीन का जो वो चीज़ होती है ना, ये टूट जाती है। इस साइड पे देख लें आप, ये साइड भी बिल्कुल इसका मिला हुआ है ये। और ये तीन चार किस्म की, पाँच, तकरीबन पाँच कलमें, पाँच जो होते हैं इसके आइडियाज होते हैं। और ये कोई भी चीज़ इसमें पुरजोली नहीं, अगर पहाड़ी इलाके में, बादशाही इलाके में आप रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर आप डीसी लगा लेते हैं तो कोई बात नहीं, ये इसकी सेफ्टी के लिए अच्छी होती है। लेकिन हम लोग एयर टाइट भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी हुआ है, हवा वगैरह, और इस तरह से जो हवा वगैरह भी चली जाती है और पानी चला जाता है, पानी से भी जो है तो कल ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ये मिट्टी भी लगा देता हूँ और ऊपर से एयर टाइट भी कर दूँगा, ताकि इसके अंदर जो बारिश वगैरह का सीज़न है, आप जानते हैं आजकल वो बारिश वगैरह की वजह से भी पानी अगर चला जाएगा कलम के अंदर तो कलम जो है ना वो काम नहीं करती थी। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको एयर टाइट भी कर देंगे और साथ में जो है मिट्टी भी लगा देते हैं, ताकि इसमें किसी किस्म का पानी का दाखिला जो है बंद हो जाए, और फिर ये कम से कम 100% हो। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो लोग कलमों को मिट्टी लगाते हैं या ऊपर से बिल्कुल ये बंद कर देते हैं, इसके ऊपर भी आप मिट्टी लगा सकते हैं इस तरह से, ताकि इसके ऊपर जो है हवा इसको बंद हो जाए, इसका जो सूखना, यहाँ से सूखना जो है वो बंद हो जाए। और फिर इसके बाद इसकी ये टेप देखें, ये स्पेशल टेप है ये कलमें लगाने, तो ये जो कलमें लगाने की टेप है ये हम मैया करें कहीं से भी लाइट से लेके आएँ या बिजली से आपको मिलेगी। इस तरह से इसको आप लाइट कर देंगे, उसके अंदर ताकि कोई हवा का जो निजाम है वो बिल्कुल ना हो, या नीचे से जो है ना इसके कहीं से भी इसको नुकसान ना हो, हवा ना लगे, तो आपकी कलम जो है 100% हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको किसी सही तरीके से या नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। समझ समझता हूँ कि कलमें जो ऐसी चीज़ें ये जो ग्राफ्टिंग होती है, कलमकारी होती है, ये बगैर मेहनत के नहीं हो सकती, ये आपको इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत देखभाल से इसको लगाया जाता है। और इसके ऊपर मैं इसका एयर टाइट सिस्टम भी कर दूँगा, ये आपने इसको बंद भी कर देता हूँ, ये इसको यहाँ से गन लगा देता हूँ, इसके बाद ऊपर में इसको थोड़ा सा ये देखें आप एयर टाइट कर देता हूँ, इसके ऊपर ये जो चीज़ ये लगा देता हूँ, इसके ऊपर नज़र रखूँगा दोस्तों। एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि कभी भी कलम को एकदम मत खोलें, जब पत्ते निकल आए तो कुछ दिनों तक इसको आप दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी हवा डालने की कोशिश करें, खोलने की कोशिश करें दोनों साइडों से, तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जब देखिए पत्ता आपका पीला हो रहा है तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर पत्ता पीला नहीं हो रहा तो फिर आप थोड़ा थोड़ा खोलें। तो मैं जैसे यही गुजारिश करूँगा, आप
मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।